बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ मैं, और आपको एक न्यूज़ आ रही, यानी कि न्यूज़ क्या है, एक चीज़ से अपडेट कर देता हूँ मैं। अक्सर भाई आपको बताए जी फ्लैट्स के मुतल्लिक, या कौन से बंदे आ रखे हैं, किस तरीके से आ रखे हैं, वैक्सीन के मुतल्लिक बहुत सी वीडियो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रखे हैं, और मैं भी आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करता रहता हूँ। अभी एक मैं ये जवाबदार को किया गया सवाल है जी, काफ़ी अच्छा मुझे लगा है, मैंने बोला आप भाई के साथ शेयर कर दूँ। जो मेरे भाई यहाँ से छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं, अभी तक फ्लैट्स बंद हैं जी, और उनका इंतजार कर रखिए कब फ्लैट्स ओपन होंगे और कब हम सऊदी अरब का सफर कर सकेंगे। तो आपको पता है दोनों वैक्सीन वाले भी आ रखे हैं, जो यहां से लगवा कर जा चुके हैं, और वाई के थ्रू भी दुनिया आ रखी है, उसके अलावा कुछ अमला वगैरह भी आ रखा है। उसके अलावा वाई के थ्रू जिन बंदों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है या सऊदी अरब की अप्रूव नहीं है, तो वो 5 दिन का यहां पर कंटाइन वगैरह भी उनको करना होगा, बशर्ते कि आपको भाई 72 घंटे पहले अपना पीसीआर टेस्ट कदूम की वेबसाइट के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन, और इसके अलावा यहां पर पहुंचते ही आपका टेस्ट, और 5 दिन बाद जब आपको छोड़ा जाएगा उस टाइम भी आपका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। ये शरायत जी। इस सवाल के मुताबिक बात कर लेते हैं। एक सऊदी फैमिली की तरफ से किया गया सवाल था जी कि हमारा एक साई खा, यानी कि घर का ड्राइवर साई खास जिसे हम बोलते हैं, तो उसने पाकिस्तान में रहते हुए एक्स्ट्रा पाकिस्तानी का पाकिस्तानी है जी, तो जाहिर सी बात है बहुत सी सऊदी फैमिलीज रहती ऐसी हैं जी जो 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 अपने वर्कर उनको दरकार हैं, जो साई खास उनके घर के ड्राइवर होते हैं, वो उनको घर का फर्द ही समझते हैं, उनके लिए जदोजहद करते हैं, और ये फैमिली भी ऐसे ही जदोजहद की है इन्होंने। पर जबरदस्त की तरफ से जो इसके मतलब जवाब दिया गया वो भी आपको बताता हूँ मैं। पहले तो आपको सवाल बता दूँ, सऊदी फैमिली ने भाई जबरदस्त से सवाल किया था, हमारा एक पाकिस्तानी वर्कर है यानी कि साई खास घर का ड्राइवर है, उसने एस्ट्राजेनेका या आप पी फैजर बोल रहे हैं, यानी कि एस्ट्राजेनेका उन लोगों ने बोला है कि उसने दोनों डोज ली हुई है, अगर पी फैजर भी ली है तो वो भी अप्रूव है जी। तो बारह एस्ट्राजेनेका उसने दोनों डोज लगवा ली हैं, और हमने तवक्कलना के ऊपर उसका स्टेटस भी इम्यून किया है, जैसा कि हम यहां पर रहते हुए अपना स्टेटस हमने इम्यून किया हुआ है दोनों वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद। तो वो बोलते हैं जी उसकी तवक्कलना के ऊपर हमने उसका स्टेटस भी इम्यून किया हुआ है, एस्ट्राजेनेका वो कन्फर्म दोनों लगवा चुका है, जैसा कि नादरा से सर्टिफिकेट मिलता है वहां पर आपका भाई रिकॉर्ड सेफ होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड देखा भी जा सकता है। तो वो क्या अभी हम उसे बुलवा सकते हैं या वो डायरेक्ट सऊदी अरेबिया आ सकता है? तो इसके मुतालिक जवाबदार का ये कहना था कि ऐसा हम किसी को मना नहीं करते हैं, किसी को रोकते नहीं है, लेकिन जो कानून है, जो शरायत है, उनको फॉलो करना होगा। मसलन कोई भी ऐसा बंदा जो यहां से दोनों डोज लगवाकर जा चुका है वो डायरेक्ट आ सकता है, इसके अलावा कोई भी बंदा सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट नहीं आ सकता है, वर्क परमिट वाला यानी कि वीजा वाला बंदा जो कि आम कामकाज के सिलसिले में यहाँ सऊदी अरेबिया में मुकीम हो। वैसे आपको पता ही अमला और मेडिकल अमला वगैरह और इसके अलावा भी कुछ एक दो शोबे हैं जी, वो आ रहे हैं डायरेक्ट भी। तो भाई ये वो बोल रहे थे कि किसी भी ऐसी कंट्री में जाए, वहां पर 14 दिन से ज्यादा का स्टे करें, उसके बाद सऊदी अरब में डायरेक्ट इंटर हो सकता है, और इसने एस्ट्राजेनेका की दोनों डोज ली हुई है, तो कल्ला के ऊपर इसका स्टेटस भी इम्यून है, इसको यहां पर कंटाइन नहीं करना होगा, ये है जी। तो अभी तक भाई डायरेक्ट फ्लैट्स के मतलब कोई भी बंदा अगर आपसे कोई कोई कुछ भी बोल रहा है साई खास के महीने को लेकर या ये या वो है, तो वो आपसे फिर ये आप यही बात इसी से अंदाजा कर ले कि वो आपको आपको ना बात घुमा कर पेश कर रहा है बस, और कोई मसला नहीं है। अभी तक डायरेक्ट फ्लैट्स के मतलब कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं है।